नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल Facts of Universe पर। आज के इस वीडियो में हम आपको अमेजन जंगल में रहने वाले 20 सबसे खतरनाक और जानलेवा जानवर के बारे में बताएंगे। मित्रों, अमेजन जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। ये इतना बड़ा है कि पूरी पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन तो ये अकेले खुद उत्पन्न करता है, और इसीलिए अमेजन जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा भी बोला जाता है। अमेजन जंगल इतना ज्यादा घना है कि वहां की जमीन पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। इस बात से आप पता लगा सकते हो कि जंगल कितना खतरनाक होगा और अमेजन जंगल में कितने खतरनाक जानवर रहते होंगे। तो चलिए जानते हैं अमेजन जंगल में रहने वाले 20 सबसे खतरनाक जानवरों के बारे में। नंबर 1, बुलेट एंट। बुलेट एंट या बुलेट चींटी आपको दिखने में भले ही छोटी लग रही हो, लेकिन इसके छोटे कद के छलावे में आकर इसके ताकत को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हालांकि यह चींटी दिखने में बिल्कुल एक सामान्य चींटी की तरह दिखती है, पर इनका कांटना किसी बंदूक की गोली लगने जितना बराबर है। इसीलिए शायद इस चींटी का नाम बुलेट चींटी रखा गया है। बुलेट चींटी अमेजन रेनफॉरेस्ट के साथ साथ मध्य और दक्षिणी अफ्रीका में भी पाई जाती है। हालांकि इन चींटियों के काटने से आपकी मौत नहीं होती, लेकिन इनका डंख बंदूक से निकली बुलेट जितना दर्द देता है, और यह दर्द 24 घंटों तक रह सकता है। इसीलिए अगर अमेजन जंगल में बुलेट चींटी दिखे तो कृपया उनसे दूरी बनाए रखें। नंबर 2, पिरान्हा। अमेजन नदी के आसपास में रहने वाले आदिवासियों के हिसाब से यह मछली उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन उसे नजरअंदाज भी नहीं कर सकते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक पिराना मछली द्वारा किए गए 30 हमलों में से हर एक इंसान की मौत होती है। पिराना मछली अमेजन के जंगलों में पाई जाती है। आमतौर पर हम पिराना मछली को फिल्मों में तथा टीवी में देखते हैं। पिराना मछली को एक खतरनाक शिकारी भी माना जाता है। हालांकि यह मछली इंसानों का शिकार आमतौर पर नहीं करती, लेकिन लाल रंग के पेट वाली पिराना मछली इंसानों का शिकार करने से कभी पीछे नहीं हटती। यह मछली अपने मजबूत जबड़े और नुखिले दांतों की वजह से प्रचलित है। ज्यादातर यह मरे हुए प्राणी को अपना शिकार बनाती है, और पानी में ताजा खून की खुशबू आते ही वो उसका शिकार कर लेती है। नंबर 3, ग्रीन एनाकोंडा। इस प्राणी के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एनाकोंडा कितना खतरनाक होते हैं, इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में भी बन चुकी है जिसमें आप इसका खतरनाक रूप देख सकते हो। एनाकोंडा भी अमेजन जंगल में रहने वाला एक खतरनाक जीव है, जिसकी लंबाई 9 मीटर तक होती है और इसकी मोटाई 12 इंच से भी अधिक हो सकता है। एनाकोंडा जहरीला सांप नहीं है, लेकिन वह अपने शिकार को उससे भी खराब मौत देता है। आमतौर पर वह शिकार की गर्दन को निशाना बनाता है और फिर उसके बाद उसे सीधा पेट में निगल जाता है। एनाकोंडा को खाना पचाने में 5 से लेकर 7 दिनों तक का वक्त लग सकता है। ये जानवर जमीन पर उतने स्फुर्तीले नहीं होते जितने कि वह पानी में होते हैं। ज्यादातर वह पानी में या फिर दलदल में घात लगाकर हमला करते हैं। नंबर 4, ब्लैक केमन। ब्लैक केमन मगरमच्छ की एक प्रजाति है। ज्यादातर यह जीव कम पानी के बहाव वाले इलाके और अमेजन रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ब्लैक केमन को अमेजन जंगल का सबसे बीडाढा शिकारी भी कहा जाता है। ज्यादातर यह मछलियों को अपना शिकार बनाते हैं। इसके अलावा कोई भी पक्षी या स्तनधारी जीव भी अगर उसके इलाके में आ जाए तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ डरता है। ब्लैक केमन ने जनवरी 2008 से लेकर अक्टूबर 2013 तक तकरीबन 43 लोगों की जान ली थी। कई बार तो यह एनाकोंडा से भी डह जाते हैं। ब्लैक केमन जमीन के रंग के होते हैं, जिसकी वजह से वह आसानी से छिप जाते हैं और अपने शिकार को पता भी नहीं लगने देते। इनके पास तेज धारदार नुखिले दांत होते हैं जो किसी को भी चंद सेकंडों में खत्म कर सकते हैं। नंबर 5, बॉइल्ड वाटर रिवर। अमेजन रेन फॉरेस्ट में एक खतरनाक नदी बहती है जिसका तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, यानी कि इस नदी का पानी आपको उबलता हुआ नजर आएगा। यहां का पानी इतना गर्म है कि अगर गलती से भी आप इस पानी में गिर गए तो कुछ सेकंड में आपका भर्ता बनना निश्चित है। नदी के आसपास रहने वाले कुछ जाति के लोगों में से किसी की मृत्यु हो जाए तो वह उसे जलाते या दफनाते नहीं है, बस उसे इस उबलती हुई नदी में फेंक देते हैं। कई लोग इस नदी को स्वर्ग का द्वार भी मानते हैं। नंबर 6, अमेजोनियन जायंट सेंटीपीड। अमेजोनियन जायंट सेंटीपीड अमेजन रेन फॉरेस्ट का एक प्रचलित कीड़ा है। यह जीव भारत में दिखने वाले कानकजूरा की एक प्रजाति है। सेंटीपीड खासकर इसके बेडढे आकार और ढेर सारे दिखने वाले बेडढे पैरों की वजह से प्रचलित है। अमेजोनियन जायंट सेंटीपीड की लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर जितनी होती है। यह जीव भूख लगने पर हर किसी को अपना शिकार बना लेता है। वह अपने से छोटे जीवों जैसे कि मकड़ियां, तितलियां और भी बहुत सारे जीवों को अपना शिकार बनाता है।
कई बार सांपों और मेंढक को भी नहीं छोड़ता। ज्यादातर अमेजोनियन जायंट सेंटीपीड रात को अपना शिकार ढूंढते हैं और इसीलिए उनका सामना इंसानों से नहीं होता। लेकिन अगर वह इंसानों को काट लेते हैं तो उसके कई सारे साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं, जैसे कि तीव्र जलन और दुखाव के साथ साथ और भी कई सारे साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं। नंबर 7, पॉइजन डार्ट फ्रॉग। यह मेंढक भले ही आपको खूबसूरत और अच्छा दिख रहा हो, लेकिन वास्तव में जितना आपको यह अच्छा दिख रहा है उतना ही यह खतरनाक भी है। अमेजन के जंगलों में पाए जाने वाले ये मेंढक के जहर में एक साथ 10 लोगों को मारने की क्षमता होती है। ये जहरीले मेंढक अलग अलग रंग के हो सकते हैं। अमेजन रेन फॉरेस्ट में लगभग 120 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, जो काफी ज्यादा जहरीले होते हैं। खास करके ये जहरीले मेंढक बारिश के मौसम में बाहर निकलते हैं। वहां रहने वाले स्थानीय लोग तथा घूमने जाने वाले लोग हमेशा इस जीव से दूर ही रहते हैं, और अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो इनसे दूर रहने में ही भलाई है। नंबर 8, ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर। ब्राजीलियन मकरी को दुनिया की सबसे खतरनाक मकरी भी कहा जाता है। इस मकरी का वैज्ञानिक नाम फोनोट्रिया है, इसका अर्थ जहरीला होता है। इस मकरियों को भटकती मकरी भी कहा जाता है, क्योंकि यह मकरी रात के समय जाला बनाती है और फिर जंगल में भटकती रहती है। इस मकड्डी का जहर जैसे ही हमारे शरीर में जाता है वैसे ही तीव्र दर्द होना शुरू हो जाता है, और फिर धीरे धीरे वो हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है और शिकार मौत के भेंट चाच जाता है। यह मकरियां ज्यादातर अमेजन के जंगलों में पाई जाती है। नंबर 9, हार्पी ईगल। अमेजन रेनफॉरेस्ट में यह खतरनाक ईगल पाया जाता है। यह ईगल बहुत स्फुर्तिला और अपने वजन से 2 गुना वजन अपने पंजों में लेकर उड़ाने की क्षमता रखता है। इनका साइज बहुत बड्डा होता है, सिर्फ पांख की लंबाई ही 3 फीट के करीब होती है तथा इनका वजन 5-6 किलो होता है। ज्यादातर यह बंदरों को अपना शिकार बनाना पसंद करते हैं। नंबर 10, साउथ अमेरिकन रैटलस्नेक। यह सांप दुनिया के खतरनाक सांपों में से एक है। यह सांप लैटिन अमेरिका में पाए जाते हैं तथा इनका जहर इतना खतरनाक होता है कि वह एक झटके में इंसानों को मार सकते हैं। नंबर 11, मस्कीटो। मच्छर का नाम देखकर आपको जरूर शोक लगा होगा, लेकिन आप इसके आकार की वजह से उसे कम नहीं आंक सकते हैं। मच्छरों को ज्यादातर रोगों का वाहक माना जाता है, इसीलिए अमेजन जंगल में जाने से पहले इन मच्छरों से बचने का उपाय करके जरूर जाए। इन मच्छरों के काटने से डेंगू, मलेरिया और पीला बुखार जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती है। ये मच्छर ज्यादातर गर्म इलाकों में और उष्णकटिबंधीय इलाके में पाए जाते हैं। नंबर 12, अरापाइमा। अरापाइमा फिश अमेजन जंगल की सबसे बिडीढ़ी मछली मानी जाती है। इसकी लंबाई 10-15 फीट होती है तथा इसका वजन 200 किलोग्राम तक हो सकता है। इस मछली की खासियत शरीर की अनोखी रचना है। इसका स्कल बुलेट प्रूफ जैकेट जितना मजबूत होता है। इनके पास पिराना मछली जैसे दांत नहीं होने की वजह से वह इंसानों के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं है। ज्यादातर वह छोटी मछलियों को अपना शिकार बनाना पसंद करती है तथा कभी कभी नदी के करीब रहने वाले छोटे छोटे जानवरों को भी अपना शिकार बनाती है। नंबर 13, इलेक्ट्रिक ईल। अमेजन जंगल में रहने वाले खतरनाक जानवरों की लिस्ट में मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प अमेजन जंगल के नदियों में रहने वाली इलेक्ट्रिक ईल लगती है। इसके पीछे का कारण है, इस मछली की लंबाई 2 मीटर से लेकर 2.5 मीटर जितना होता है। इलेक्ट्रिकल ईल मछली अपने शिकार को मारने के लिए एकदम कड़क बिजली का उपयोग करती है, और खास बात यह है कि वह बिजली मछली खुद बनाती है। यह मछली 600 वोल्ट जितना करंट छोड़ती है। इतना करंट काफी है किसी भी इंसान की सांसों को रोकने के लिए और चंद सेकंड में मौत के घाट उतारने के लिए। नंबर 14, हेलिकोनियस एराटो। भले ही दिखने में यह तितली आपको सुंदर और मन मोहित करने वाली लग रही हो, लेकिन जितनी सुंदर यह तितली है उतनी ही जहरीली भी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह तितली इंसानों को नहीं काट सकती, क्योंकि इनके पास दांत नहीं होते। हेलिकोनियस तितली काले रंग की होती है और इसके शरीर पर लाल, पीले और सफेद रंग के दाग होते हैं, जिनसे इनको पहचाना जा सकता है। यह तितली खुद के अंदर ही जहर बनाने की क्षमता रखती है और इनकी जीवन सीमा सिर्फ 1 महीने जितनी होती है। नंबर 15, बुल शार्क। बुल शार्क को दुनिया की सबसे खतरनाक शार्कों की श्रेणी में उच्च क्रम का दर्जा दिया गया है। यह शार्क आए दिन इंसानों पर किए गए हमलों की वजह से अक्सर चर्चे में रहती है। इनकी लंबाई लगभग 11 फीट जितनी होती है और इनका वजन 700 पाउंड जितना होता है।
बुल शार्क साफ और नमकीन दोनों तरह के पानी में रह सकती है। अमेजन जंगल में रहने वाले खतरनाक जानवरों में बुल शार्क को सबसे ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि यह इतनी ज्यादा खतरनाक है कि अपने रास्ते में आने वाले किसी भी जीव को जिंदा नहीं छोड़ती, यहां तक कि खुद की प्रजाति के शार्कों को भी अपना शिकार बना लेती है। बुल शार्क डॉल्फिन, कछुए और पक्षियों को अपना शिकार बनाती है। नंबर 16, असैसिन बग या हत्यारा कीड़ा। अपने नाम की तरह यह कीड़ा एकदम सही है। असैसिन बग नामक यह कीड़ा इंसानों के लिए उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन इसी प्रजाति का किसिंग बग नामक कीड़ा इंसानों के लिए खतरे की घंटी बजाता है। इस बग के काटने से चेगास बीमारी होती है, जिसकी वजह से प्रति साल 12,500 इंसानों की मौत होती है। असैसिन बग कद में छोटे होते हैं और इसके पास एक डंक होता है, जिसकी मदद से वह छोटे कीड़ों के अंदर जहर फैलाकर अंदर के अवयवों को पिघला देते हैं। नंबर 17, जैगुआर शेर और बाघ के बाद जैगुआर बिल्ली प्रजाति का तीसरा सबसे बड़ा पाए जाने वाला जीव है। यह जीव अमेजन जंगल में रहने वाले खतरनाक जानवरों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। यह जीव काफी ज्यादा स्फुर्तीले और शातिर होते हैं। अपने शिकार को सिर्फ एक पंजे मारकर उसे मौत के घाट पहुंचा सकता है। अपने नुखिले पंजों का इस्तेमाल करके यह जीव अपने शिकारी के गले पे वार करके उसे कमजोर कर देता है और फिर अपना भोजन बना लेता है। हिरन, ब्लैक केमन और जंगली कुत्ते इनका शिकार होते हैं। कई बार इंसानों पर भी हमला करने की कहानी सुनाई देती है, इसीलिए यह सबसे खतरनाक जानवर की लिस्ट में ऊपर है। नंबर 18, ट्री बोआ प्रजाति के सांप होते हैं, और कमाल की बात यह है कि इनमें जहर नहीं होता, इसीलिए कई लोग इन्हें अपना पालतू जानवर बनाना भी पसंद करते हैं। ट्री बोआ सांप विभिन्न प्रकार के रंगों में पाए जाते हैं, जैसे कि ऑरेंज, लाल, पीले और काले रंगों में पाए जाते हैं। खासकर ये सांप साउथ अमेरिका और अमेजन के जंगलों में पाए जाते हैं। नंबर 19, वैम्पायर बैट, वैम्पायर चमगादड़। चमगादड़ की तीसरी प्रजाति है जो खून पीकर जिंदा रहते हैं। इस प्रजाति के चमगादड़ अमेजन जंगल का वो हिस्सा जो ब्राजील में है, वहां पर पाए जाते हैं। यह चमगादड़ जंगल के आसपास रहने वाले गांव वासियों को अपना शिकार बनाते हैं और खून चूसने साथ साथ रेबिस नाम का वायरस भी फैलाते हैं। नंबर 20, टेरेंटुला। अगर आपको कहीं टेरेंटुला मकरी गलती से भी दिख जाए तो समझ जाना कि आपकी किस्मत खराब है। ये मकरी दुनिया की सबसे बडढ़ी मकरी मानी जाती है। इसके शरीर का आकार 13 इंच जितना बड्डा होता है और वह काले तथा भूरे रंग के होते हैं। इनके बड्ढे बालों वाले पैर होते हैं जो दिखने में भयानक लगते हैं, लेकिन आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके जहर की असर इंसानों पर नहीं होता। और अगर गलती से आपको काट भी ले, फिर भी आपको मधुमक्खी के डंक जितना दर्द होगा उसके बाद सामान्य हो जाएगा। ये मकड्ढी लोमड़ी तथा खरगोश के बिल में रहती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो अमेजन जंगल में रहने वाले 20 खतरनाक जानवर आपको बहुत पसंद आया होगा, और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा जानवर सबसे खतरनाक लगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।